तो हे दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर और मेरा नाम अनिश रॉय। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं सबसे बात करने वाला हूँ कैसे आप सब्सक्रिप्शन थीम्स को अप्लाई कर सकोगे। और आप सबको पता होगा कि भाई अगर आप कस्टम रूम यूज़ करते हो तो गाइस आप सबको पता होगा, और अगर आप नहीं यूज़ करते हो आपको नहीं पता सब्सक्रिप्शन थीम्स क्या है, तो गाइस मैं बता दूँ कि सब्सक्रिप्शन थीम्स एक इंजन है जो कि मतलब एक थीम इंजन है जो कि आप वेरियस टाइप के आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने किसी भी एंड्रॉइड का यूआई को। जैसे कि आप देख रहे हो कुछ इस टाइप का मैं कर रखा हो, तो गाइस सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा और सब कुछ मैं इंस्टॉलेशन के बारे में बता दूँगा कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है आपके अलग से आपका खुद का मॉड। तो यहाँ पे जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, और जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो गाइस सब्सक्रिप्शन थीम जो है ये एक मैजिक्स मॉड्यूल है। तो गाइस आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लेना है सब्सक्रिप्शन थीम, तो मैं स्पेलिंग भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा SUBSTRATUM सब्सक्रिप्शन थीम, तो इसको सिंपली आपको सर्च कर लेना है। और ये थीमिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, इसको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपको आपको यहाँ पे डाउट है कि भाई मैंने इस कीबोर्ड को कैसे इंस्टॉल किया है, तो ये एक साइबरपंक थीम है कीबोर्ड का। तो आपको अगर ये कीबोर्ड आपको इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली इस आई बटन में जाकर क्लिक करके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डाल दिया है और बहुत दिनों पहले डाल दिया था, बहुत पुराना है लेकिन है नया ही है, आपके लिए नया होगा क्योंकि आप आज देख रहे हो तो ऐसे आपके लिए नया होगा। तो ऐसे कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है आपको सब्सक्रिप्शन थीम आपको सर्च कर लेना। आप सब्सक्रिप्शन थीम का जो है लाइट यहाँ पे जो है ये लाइट वाला वर्जन है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे दो थीम्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये कुछ एपीके के रूप में आता है, तो कैसे उसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने टेलीग्राम पे अपने टेलीग्राम में डाल दिया है दोनों थीम। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे एचीरस जो है इसको सिंपली यहाँ पे जो है इसको कंटिन्यू करके इंस्टॉल कर देना है, तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो और एक चीज़ है पीडीसी मॉड, तो पीडीसी या फिर पीडीसी जो भी बोलो, तो इसको सिंपली कंटिन्यू करके आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली कैंसिल पे क्लिक कर देना है, और कैंसिल पे क्लिक करने के बाद आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उसको कॉपी कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं कुछ आपको मीनिंग्स भी बताऊंगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्टेप को मैं सब्सक्रिप्शन थीम्स में लेके चलता हूँ। तो वैसे यहाँ पे जो है आपको मैं दिखा दूँ, तो ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि डेवलपर ने मुझे सेंड किया था। इन लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी, आपको सिंपली टेलीग्राम को खोलना है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक्टिव में कर रखा है। तो ये जो है पीडीसी मॉड इसमें जाना है, इसमें जाने के बाद आपको जो भी यूआई आपको पसंद आता है, जैसे कि मुझे ये पसंद आया था तो मैंने इसमें कमेंट्स भी किया था। आप देख सकते हो कमेंट में मेरा कमेंट आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देख सकते हो पूछा था डेवलपर से कि भाई यहाँ पे मुझे ये ओवरलेस पसंद आया, मुझे ओवरलेस भेजो। तो गाइस उन लोगों ने भेज दिया था, तो गाइस देख सकते हो इसको सिंपली कॉपी कर सकते हो। मैं स्क्रीनशॉट लास्ट में जो है शेयर कर दूंगा इस ओवरलेस को। इन सब ओवरलेस को आप अप्लाई करोगे और यहाँ पे जो है आपको कुछ इस टाइप का वो देखने को मिल जाएगा। और ये सिर्फ रेजरेक्शन रिमिक्स के लिए है, ये डुअल स्टेटस बार। अगर आपको डुअल स्टेटस बार चाहिए तो गाइस आप डेवलपर से पूछ के यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का मैंने पूछा था, डेवलपर ने यहाँ पे जवाब दे दिया था। तो यहाँ पे और एक बंदे ने यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का कस्टमाइज कर रखा है। तो मैं, यह मेरा पहला जो है एपिसोड है, दूसरे एपिसोड में मैं दूसरा कवर करूंगा दूसरे यूआई को। तो गाइस सबसे पहले मैं अभी आपको चले जाता हूँ कुछ इस टाइप का। ये जो है यहाँ पे आपको एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है जी ड्यूअल करियर वन, तो इसको मुझे यहाँ पे फाइंड कर लेना है। तो मैं जैसे जाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीसी मॉड इसमें चले जाऊँगा। इसमें जाने के बाद यहाँ पे ये सिस्टम यूआई पे जाऊँगा, आप देख सकते हो कुछ बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ड्यूअल करियर आपको सर्च कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है जी ड्यूअल करियर वन। इसको बहुत सारे यहाँ पे लेआउट से आप सिंपली एक एक करके इंस्टॉल करके आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं जो जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है उसको मैं इंस्टॉल करूँगा। तो क्या सिंपली पहला जो है मुझे मिल चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखा रहा है सिस्टम यूआई। तो इसको सिंपली इसके यहाँ पे टैप करने के बाद आपको सिंपली इंस्टॉल सिलेक्टेड में क्लिक करना है, ओके कर देना है, ठीक है। तो ये एक पहला हो गया मेरा। अभी दूसरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो FQS Style BG50, तो ये पहले वाला जो है FQS Styles, तो ये इसको मैं सर्च करूँगा। तो फिर से सब्सक्रिप्शन में जाओ और यहाँ पे आप देख सकते हो F हो जाएगा वरना, तो ये देख सकते हो FQS Style BG50 मुझे देखने को मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो FQS Style BG50, तो इसको सिंपली क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये भी इंस्टॉलेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, तो इंस्टॉल ऑफकोर्स यहाँ पे रहेगा। तो इसको सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर देना है। ऐसे कर करके जितने भी यहाँ पे ओवरलेस आपको सिलेक्ट करना है, आपको फाइंड करना है कौन सा है, आपके मन से करोगे तो चलाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब आप थोड़ा सा देखो थोड़ा सा सुनो। तो यहाँ पे मैं कुछ फुल फॉर्म्स बता देता हूँ आपको।
सबसे पहला फुल फॉर्म है यहाँ पे QS का, QS टाइल्स मतलब क्विक सेटिंग्स टाइल्स, मतलब क्विक सेटिंग्स का जो ये टाइल है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है गेमिंग मोड, फिर यहाँ पे आइडिया वाईफाई हॉटस्पॉट, इसको हम QS टाइल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का डी फूटर QS E, तो यहाँ पे क्विक सेटिंग्स भी, यहाँ पे आपका जो है फूटर है इसका मतलब आपका जो ये है ये वाला फूटर, इसको हम फूटर बोलते हैं, और क्विक सेटिंग्स तो ये इसको होल्ड क्विक सेटिंग्स को हम बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो F QS लेबल नो BG, तो गाइस इसको QS यहाँ पे जो लेबल का यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको बैकग्राउंड का देखने को मिलता है, BG मतलब बैकग्राउंड। और यहाँ पे देख सकते हो CHD QQS QS J, तो ये बहुत सारा कुछ QQS J, ये कुछ कुछ मुझे ही नहीं पसंद आता, तो मैं डेवलपर्स के जो स्क्रीनशॉट है उसको देख के मैं अप्लाई कर दिया, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वाला जो यहाँ पे ई लेआउट BGD, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको बैकग्राउंड का यहाँ पे ई लेआउट देखने को मिल जाता है। अलग अलग नाम है, अलग अलग यहाँ पे लेआउट्स के नाम है, आपको सिंपली पढ़ पढ़ के यहाँ पे सिंपली कॉपी भी पेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो, तो कैसे आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, आप देख सकते हो पिरेकी एवरीवेयर, पिरेसी या फिर पिरेकी जो भी बोलो, तो यहाँ पे देख सकते हो पीएससी एवरीवेयर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस यहाँ पे 408 सब्सक्राइबर्स है, आप सिंपली यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, और यहाँ पे हर वीक जो है यहाँ पे अलग अलग सा UI आपको देखने को मिलेगा, डेवलपर्स को आप सपोर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला कुछ इस टाइप का अलग सा आ रहा है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको अलग से आ रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ इस टाइप का अलग से आ रहा है, तो ऐसे कर करके आप जो है आप वेरियस टाइप के यहाँ पे UI का मज़ा ले सकते हो। और डेवलपर्स को यहाँ पे जो भी आपको पसंद आता है वो सिंपली आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। यहाँ पे देख सकते हो एक डुअल डबल सर्कल दिखा रहा है, तो ये एक डुअल स्टेटस बार है, और TSB के लिए जो है यहाँ पे मैंने डुअल आगे ही बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है, तो अभी आपको मैं HRS के बारे में बता दूँ। HRS क्या करता है, HRS आपका जो ये इस आपका जो ये 5G आइकन है, वोल्टी आइकन है, इसको सिंपली आपको यहाँ पे जो है इंस्टॉल करवा देता है UI में। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का 90% के आगे जो बैटरी से आइकन है, इसको मैंने HRS के मदद से जो है इंस्टॉल कर रखा है। और अगर आप देखो तो गाइस यहाँ पे नेटवर्क आइकन, इसको हम करियर बोलते हैं, तो गाइस ये जो नेटवर्क करियर जो है इसको भी है मैंने HRS से ही इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे 5G आइकन जो, इसको भी मैंने HRS से इंस्टॉल किया है, और यहाँ पे वोल्टी आइकन को भी मैंने HRS से इंस्टॉल किया है, ठीक है। और जो है नेटवर्क आइकन जो है, इसको जो नेटवर्क जो इंडिकेटर है, इसको मैंने जो है रोम से ही आता है, तो ये मेरा जो है, मैं आपको बता दूँ रोम के बारे में। तो गाइस रोम है यहाँ पे रिजरेक्शन रिमिक्स 8.6.6, और ये जो है अनऑफिशियल बिल्ड है, और लास्ट वाला बिल्ड था, तो गाइस मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। तो इसमें सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है। थोड़ा सा गेमिंग के लिए डिसेंट है, बैटरी डिसेंट है, सब कुछ डिसेंट डिसेंट टाइप का है, तो आपको ये रोम जरूर से ट्राई कर लेना चाहिए अगर आप रेडमी नोट 7S यूज़ करते हो तो, ठीक है। और अगर आप दूसरा कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो गाइस आप पहले देख लो कि भाई आपके रोम में बग है कि नहीं, अगर ज़्यादा बग होगा आपका जो ये सब मॉड है जो यहाँ पे क्रैश हो जाएगा, और अगर आपका क्रैश हो रहा है तो गाइस वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा लास्ट में कैसे आपको अनइंस्टॉल कर लेना है अपने किसी भी मॉड को। तो गाइस सबसे पहले जो है मैं अभी आपको यहाँ पे HRS में चले जाता हूँ। HRS में चले जाने के बाद आपको जो मैं एक स्क्रीनशॉट दूंगा, आपको सिंपली उसको अप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे जो है अगर मैं एक एक करके पकड़ूँ तो गाइस बहुत वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस मैं उतना बड़ा नहीं करूँगा, शायद लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आपको सिंपली ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली एक रिबूट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिस्टार्ट पे क्लिक कर देना, और रिस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेंगे ओवरलेस, कुछ इस टाइप का आपको ओवरलेस देखने को मिलेंगे, सबको टिक करो, सबको यहाँ पे एक एक करके सबको टिक कर दो। तो टिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्टेड यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इनेबल सिलेक्टेड में क्लिक कर दो, और जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो ये सब कुछ सेटिंग जो चेंज हो जाएगा। मैं सिंपली इसको डिसेबल करके एक बार दिखा देता हूँ कैसे था और कैसे है अभी, ठीक है। तो ये एक UI का यहाँ पे रिस्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि भाई UI क्रैश हो चुका है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का था मेरा रोम, कुछ इस टाइप का आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं है, और अभी मैं सिंपली इसको यहाँ पे इनेबल सिलेक्टेड कर दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, एक UI का जो रिस्टार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये कॉमन सी बात है, ऐसा नहीं क्रैश हो चुका है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आप डरो मत। और अगर बहुत टाइम से यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन हो चुका है, आपको सिंपली अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली जाना होगा रिकवरी में, तो मैं जल्दी से रिकवरी में लेके चला जाता हूँ। सो गाइस आपने जो पासवर्ड लगाया अपने फ़ोन में उसको सिंपली आपको यहाँ पे डाल देना है। सो मैं सिंपली पासवर्ड डाल देता हूँ इसको डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लगा डिक्रिप्शन में, यहाँ पे और सक्सेसफुल जब दिखाएगा तब मैं इसको कर पाऊंगा, ठीक है। सो गाइस डिक्रिप्ट होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का आपको सब फाइल्स को दिखाई देंगे। सो गाइस आपको यहाँ पे डिक्रिप्ट करना होगा। सो गाइस करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एक रूट के डायरेक्टरी में, जहाँ पे आपको सारे सिस्टम के फाइल्स दिखेंगे, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ACCT, यहाँ पे कैच,
फिर कॉन्फ़िग कास्ट डेटा, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा, फाइल सिस्टम के जो जितने भी फाइल्स है, और ये दोनों स्टोरेज है आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का स्टोरेज है। तो गाइस आपको समझ समझ के करना पड़ेगा, तो मैं आप सबको इजी करने के लिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन सा आपको जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेटा में जाना है, आपको यहाँ पे जाना है फिर ADB में। ADB में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स दिखेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे मॉड्यूल्स पर क्लिक कर देना है। तो आपको सिंपली सबस्टेडियम लाइट वाले को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है, इसको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको स्वाइप टू कंफर्म कर देना है, ठीक है। जैसे ही स्वाइप टू कंफर्म करोगे आपको बैक में जाना है, आपको रिबूट कर देना है आपके फ़ोन को। तो यहाँ पे आपको सिस्टम पे बूट कर देना है, तो बस कुछ इस टाइप का आपको जो है ये फ़ोन बूट हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा पहला एपिसोड था, सेकेंड एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आप कमेंट्स में प्यार दिखाओ तो ठीक है, कमेंट्स में कमेंट्स करके बताओ कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, मैं सिंपली वो वीडियो लेके आ जाऊँगा। और यहाँ पे अगर आपको ऐसे ही नेक्स्ट आपको एपिसोड चाहिए तो गाइस नेक्स्ट UI के लिए मैं वेट करो, तो गाइस मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा, ठीक है। और हाँ, और एक बात, ये रूटेड डिवाइस के लिए है, नॉन रूटेड के लिए नहीं है, सॉरी। नॉन रूटेड के लिए आपको थीम्स की ज़रूरत नहीं है, आप MIUI डाल लो, MIUI डाल के वहाँ पे कोई भी थीम्स आप ग्लोबल थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो आपके लिए, ठीक है। और ये अगर आप रूटेड डिवाइस चलाते हो, अगर कस्टम रूम रन है, तो गाइस कस्टम रूम्स के लिए ये अच्छा मेथड है, जिस रूम में कस्टमाइजेशन नहीं होता है उस रूम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। गाइस अगर आप रेजरेक्शन रिमिक्स डाल रखे हो या फिर एंशिएंट ओएस डाल रखे हो, तो गाइस आपको यहाँ पे कोई भी मॉड्स की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सारे कस्टमाइजेशन के साथ आता है रूम के अंदर ही। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद होगा, अगर वीडियो को पसंद होगा वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।